रोज़ाना के एंटीनेटल ओपीडीज़ में, यानी वो ओपीडीज़ जिनमें हम प्रेग्नेंट फीमेल्स का मुआयना कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। यही वजह है कि मैंने सोचा कि इसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव सेशन बनाया जाए ताकि आप लोगों के जो सवालात हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में वो हल हो सकें। सबसे पहले, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कहते किसे हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान और स्पेशली पाँचवें महीने के बाद से 135/85 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से ज़्यादा रह रहा है तो हम इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हमल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर लेबल कर देंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लें कि अगर ब्लड प्रेशर पाँचवें महीने से पहले, यानी दूसरे महीने, तीसरे माह या चौथे महीने में हाई रह रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, इसकी कोई और रीज़न है। इस चीज़ को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम सिर्फ उस वक्त कहेंगे अगर प्रेगनेंसी के पाँचवें, छठे और सातवें महीने या इवन लेटर ऑन भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला स्टार्ट हो जाए। हमल में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अगर मैं सेशन बनाना शुरू करूँ तो ये एक बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। अभी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने का इम्कान बढ़ जाता है। सबसे पहले, सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल और आपके वेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी वो बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं करते, जैसे ऑफिस जॉब्स हैं या डेस्कटॉप जॉब्स हैं जिनमें कंप्यूटर से ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है और आप बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो ये वाले लोग बहुत ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन डेवलप कर लें। इसके अलावा, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपका वेट इन रिलेशन टू आपकी हाइट के ज़्यादा है, तो उस सूरत हाल में भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने का इम्कान थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कि प्रेगनेंसी किस तरह की है। अगर तो आपने प्रेगनेंसी किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से और स्पेशली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए कंसीव किया है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है या 35 साल से ज़्यादा की उम्र में आपने कंसीव किया है, तो ये रिस्क बढ़ जाएगा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाए। इसके अलावा, अगर पहले से आप ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका और उसके लिए आप कुछ अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं, या आपको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ का इशू है या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इस सूरत हाल की वजह से भी दौरान हमल ब्लड प्रेशर हाई होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन हर सेशन के एंड में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और आप उसके लिए कोई भी मेडिकेशन यूज़ करती हैं, तो कुछ साइंस हैं जिन्हें हम वार्निंग साइंस कहते हैं, आपने उन्हें हमेशा याद रखना है। उसमें सबसे पहले सर दर्द होना, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा या चमकदार चीज़ों के फ्लैशेज़ होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना और पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द महसूस होना, ये वो वार्निंग साइंस हैं। अगर आपको महसूस हो तो आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो समटाइम्स प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स का बायस बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।